न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। ललित उपाध्याय काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और वहां अपना मेडल अर्पित करेंगे। बाद में वो अपने पैतृक आवास शिवपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कन्नौज में 5 दारोगाओं सहित 10 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती मिली है। लाइन में तैनात उमेश चंद को भवलपुर चुपन्ना चौकी का इंचार्ज बनाया गया, जो रामकृपाल सिंह के सस्पेंड होने के बाद खाली हुई। राजेंद्र सिंह, नसीम खान, डकुनुद्दीन खान को भी लाइन में तैनात किया गया। चुनाव प्रकोष्ठ के 3 सिपाही साइबर थाने और महिला आरक्षी प्रवेश कुमारी को गुरसरायगंज में स्थानांतरित किया गया है। महिला हेड कांस्टेबल शशि कुमारी को सीओ तीरवा की पेशी में तैनात किया गया। काशी में मांस और मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। आगमन संस्था और ब्रह्मसेना के सदस्यों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा निकालकर गौरी केदारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया और मांग पत्र सौंपा है। यात्रा में बैजनाथ, कामछा, सिगरा, लक्सा, हाजकटोरा, महामृत्युंजय, पठानी टोला, भोसला घाट, नेपाली खपड़ा, विश्वनाथ धाम और मान मंदिर घाट शामिल थे। जी क्या रहा आज यात्रा में? देखिए, ये आगमन और ब्रह्म सेना द्वारा पिछले 2 सालों से अभियान चलाया जा रहा है कि काशी को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। हम लोगों का साफ सा कहना है कि अयोध्या मथुरा जैसे जगह पे यदि बंद है तो भगवान शिव के नगरी में भी मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों का हम लोग यात्रा कर रहे हैं जो काशी में स्थित है, और उनको हम लोग एक अर्जी दे रहे हैं, अर्जी इस बात की कि प्रभु आप सद्बुद्धि दीजिए शासन प्रशासन को, ताकि काशी भी शुद्ध हो और पुरानी स्वरूप में आ जाए। हम लोग अभी काशी के केदारेश्वर महादेव से दर्शन किए हैं और हम लोग समापन काशी विश्वनाथ दरबार से। चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाश सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। परिजनों की शिकायत पर नौगढ़ थाने में तहरीर दी गई। मुठभेड़ बदलापुर ऊंची पहाड़ी के पास हुई। फिरोजाबाद में हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को निशाना बनाकर हो रहे हमलों पर बांग्लादेश के खिलाफ निकाली रैली। लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू बहन और बेटियों का गैंगरेप वहां के लोगों द्वारा किया जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना था कि हमारी सरकार से मांग है कि यहां से रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाए, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों ने भी वहीं के लोगों का डीएनए है, जिससे यहां पर भी हमारे लिए खतरा पैदा होगा। यह आप भी देख रहे होंगे आपके आपकी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जैसा कि वीडियो मालूम पड़ रहे हैं। बांग्लादेश की जो तख्ता सरकार का सत्ता का तख्ता पलट होने के बाद जो स्थिति वहाँ पर पैदा हो रही है, वहाँ पर राजनीतिक स्थिति नहीं है। अब ये हिंदू समाज के विरोध में वहाँ पर कृत्य किया जा रहा है। राक्षसीपन और बेहुदा हरकत वहाँ पर की जा रही है। हिंदू समाज को दौड़ा दौड़ा करके निरसंस उनकी हत्या की जा रही है। वहाँ की महिलाओं को, बेटियों का उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक रूप से बलात्कार किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आक्रोश में यह यात्रा, हिंदू जन आक्रोश यात्रा फिरोजाबाद शहर में निकाली जा रही है। कानपुर के मोती झील स्थित तुलसी उपवन में तुलसी जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि थे। मंत्री ने कहा कि तुलसीपुर में तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति और प्रभु राम के आदर्श को दिखाया, जो आज भी हमारे समाज का मार्गदर्शक है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई और पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत की सराहना की। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी कविताओं से माहौल को राममय बना दिया। मानस परिवार में भविष्य में पक्का मंच बनाने का आग्रह किया गया। शेष के अवसर पर आज भव्य कार्यक्रम और तुलसी उपवन में तुलसीदास जी की भव्यता से के साथ जयंती जो एक परिवार मना रहा है, आज विजय नारायण तिवारी जो समिति है आज उसमें भाग लेने आया था, और जो बाबा का प्रभु से प्रेम में जिस प्रकार का पूरे परिवार का चित्रण किया, जिसके कारण आज देश दुनिया चल रही है, और उनके त्याग के, उनके पारिवारिक के सभी भूमिकाओं का वर्णन जिस प्रकार बाबा ने किया और प्यार का जिस प्रकार भूमिका किया, वास्तव में आज हम लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हम भी सब धन्य हुए हैं और अपेक्षा करते हैं प्रभु का आशीर्वाद इसी तरह हम लोगों को मिलता रहे। मुजफ्फरनगर में समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु और समर्पित युवा समिति द्वारा आयोजित जज्बात दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में शुरू होकर शहर के प्रमुख चौराहों से आयोजित की गई। पहले महिलाओं और फिर पुरुषों के लिए हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने इससे भाग लिया। नगर पालिका ने सुरक्षा और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की और सड़कों पर गड्ढों को भरने का काम किया। दौड़ के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया। कासगंज के किसरौली गांव में बिजली के पोल में करंट लगने से 2 बच्चे झुलस गए। दोनों बच्चे गांव के पास खेल रहे थे जब उन्हें करंट लगा। हादसे में 5 साल की सृष्टि की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा घायल हो गया। परिजनों ने घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ विजय कुमार राणा ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सृष्टि के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।
खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां माटीकला बोर्ड के तत्वावधान में माटीकला टूल्स किट्स वितरण और एक दिवसीय माटीकला सेमिनार कानपुर के मर्चेंट चैंबर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सम्मिलित हुए। इस मौके पर 210 कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को निःशुल्क स्वचलित चाक और पॉपकॉर्न मशीन वितरित की गई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड से रोजगार परक योजनाओं में लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार पा सके, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन ज्यादा से ज्यादा बने और लोग इसका उपयोग भी कर सके। माटीकला बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा कानपुर मंडल, कानपुर नगर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इन सब जनपदों के जो माटीकला से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी के काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक, स्वचलित चाक, पॉपकॉर्न मशीन और निःशुल्क तरीके से सारे वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार परक योजनाएं जो चलती हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार पा सकें और मिट्टी के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा बने और बाज़ार में लोगों को उपलब्ध हो। हरदोई के डड़ियावां थाना क्षेत्र के बांदा चौराहे पर तेज रफ्तार पिकअप पर डाले ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर हरदोई सीतापुर मार्ग पर जाम लगा दिया। इलाकाई पुलिस के समझाने पर जाम हटाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोबा से पैरामेडिकल कोर्स के लिए महानगरों में जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए अब जनपद में ही पैरामेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। जिले के पहले पैरामेडिकल कॉलेज का शुभारंभ सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने किया। शहर के सुभाष नगर इलाके में हाईवे पर ही अलक्सा ग्लोबल पैरामेडिकल कॉलेज का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। शिक्षा क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रहे समाजसेवी सुल्तान अहमद द्वारा संचालित इस पैरामेडिकल कॉलेज में उद्घाटन के पहले दिन ही एडमिशन लेने वाले छात्रों की एडमिशन फीस नहीं ली गई। उद्घाटन के दौरान सदर विधायक ने जिले का पहला पैरामेडिकल कॉलेज खुलने पर बधाई देते हुए छात्र छात्राओं से इसका लाभ लेने की अपील की और खुद उक्त संस्था की मदद की बात कही। ये हमारे जनपद का पहला पैरामेडिकल कॉलेज है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा सुल्तान भाई को कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और हमारे जनपद को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि अभी तक हमारे इसमें कॉलेज जनपद में कोई भी पैरामेडिकल कॉलेज नहीं था, पहला पैरामेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ के निवासियों को और छात्रों को जो भी इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और मैं चाहता हूं कि लोग इसमें आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी शिक्षा लें, जिससे हमारे जनपद में जो टेक्निकल टेक्नीशियंस की कमी रहती है स्वास्थ्य विभाग में, वो सब पूरी हो जाएगी। कानपुर के बिटू थाना क्षेत्र के गौरव इंटरनेशनल स्कूल के अकाउंट ऑफिस में 16 लाख रुपए की चोरी हो गई। स्कूल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान की और बिटूर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल के ड्राइवर, कंडक्टर, उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी की गई राशि भी बरामद की गई है। कानपुर पुलिस टीम की डीसीपी ने पुरस्कृत करने की घोषणा की और पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। और उसमें 100% की रिकवरी हुई है। 15,77,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसमें एक बस का ड्राइवर है, वही बच्चों को ले जाता है। एक का फादर पहले वहाँ पे काम कर चुका है, बस चला चुका है उसका वो, और एक इनका साथी। इनका मकसद था, एक का मकसद इसमें था कि हम जमीन खरीदेंगे, दो का मकसद था शेयर मार्केटिंग करना, शेयर में पैसा लगाना। इनको वहीं से पता चला था कि शेयर में बड़े मुनाफे हो रहे हैं, इस मकसद से इन लोगों ने चोरी की थी। झांसी के आदर्श नगर में सड़क निर्माण के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया। प्रेमगंज निवासी सुरेश कुमार ने दावा किया कि जिस भूमि पर सड़क निर्माण हो रहा था वो उसकी निजी संपत्ति है और न्यायालय के मामले में सुनवाई चल रही है। उसने निर्माण कार्य रोकने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। पार्षद महेश गौतम ने बताया कि सड़क की चौड़ाई 16 फीट रखी जानी है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी जमीन बता रहे हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो रही है। निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। जिला प्रशासन, नगर निगम की जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुरेश कुमार कहाँ रहते? क्या समस्या? समस्या ये नगर निगम द्वारा अवैध रोड डाली जा रही है। कहाँ डाली जा रही है? हमारे प्लाट के अंदर से। तो आपका है प्लाट? जी। तो अभी आपने किसको सूचना दी? अभी हमने, हमारा मुकदमा भी सिविल जज सीनियर डिवीजन के तहत चल रहा है, उसकी तारीख भी 21/8 लगी हुई है। नगर आयुक्त को तलब किया गया है, इसके बाद भी पार्षद हमें सड़क डालने से जबरदस्ती सड़क डाल रहे हैं। इसलिए हमने सूचना देना पड़ी। मौके पर पुलिस आई, उन्होंने नाप तोल की है और जो भी कार्रवाई होगी वो अपनी कोर्ट में तलब कराएंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते नजर आते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला झांसी जिले से सामने आया जहां झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मेवरानीपुर तहसील के ग्राम पंचायत पलरा में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे हाथ में चप्पल लेकर सर पर बैग रखकर स्कूल के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं तो कुछ बच्चों की किताबें भीग जाती है और वो वापस घर के लिए भी लौट जाते हैं। ऐसे एक वीडियो झांसी जिले के ग्राम पंचायत पलरा से वायरल हो रहा है। आपका नाम है खड़गाई। कौन से स्थान पर आप रहते हैं, कौन सा गांव है ये? ये पलरा गांव है, बूढ़ा बुब्बा का स्थान है। कहाँ कहाँ के यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के जो मेन रास्ता है क्या उसमें आप कहेंगे? यहाँ तो बहुत दूर दूर के भक्तगण आते हैं और यहाँ की रास्ता तो साफ खराब है, तो कोई नहीं आ पाता है यहाँ पर, बहुत परेशान हो जाते हैं। कितने कितने दूर दूर के आते हैं? यहाँ छतरपुर तक के आते हैं, छतरपुर के आते हैं कोई 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक के आते हैं। आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? हमको अभी 3 साल हुई, पहला एक पुजारी रहते थे पंडित जी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोंडा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की, उनकी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने नजरुल की जमीनों को बड़े पूंजीपतियों को देने की साजिश का विरोध किया और कहा कि सरकार गरीबों की जमीन छीनकर चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहती है। वक्फ बोर्ड मामले में उन्होंने केंद्र सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया और अध्यारोप मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात की। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में बढ़ती बेरोजगारी और कर्ज की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। माता प्रसाद पांडे ने सपा नेता सूरज सिंह के आवास पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रावस्ती में राप्ती नदी टांडव मचा रही है, राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि ब्लॉक इकोना के जगरावलगढ़ी गांव में राप्ती नदी ने टांडव करते हुए दर्जनों घरों को अपने आगोश में ले लिया। जगरावल गांव के लोग खुद ही अपने पक्के आशियाने को तोड़ने के लिए विवश है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे श्रावस्ती भाजपा विधायक रामचंद्र पांडे, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने ग्रामीणों में मिलकर कुशलतम पूछा है और तत्पश्चात राप्ती नदी में समाहित दर्जनों घरों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही नदी में समाहित घर के स्वामी से बात कर लेखपाल तहसीलदार को डीएम ने निर्देशित किया है। जिले भर के पत्रकारों के इलाज चौराहे पर गरौड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहरलाल राजपूत के खिलाफ प्रदर्शन किया, जुलूस निकाल कर भीख मांगा। विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कुछ दिन पहले अवैध खनन की खबर के प्रसारण पर झांसी के कई पत्रकारों को 50-50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव के अलावा आशुतोष नायक, धीरेन्द्र रायकावार, डीकू जैन, राम नरेश को यह नोटिस भेजा गया है। प्रदर्शन में सभी पत्रकारों के अलावा जिले भर के पत्रकार संगठन ने जुड़कर पदाधिकारी पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों ने झांसी के लाइट चौराहे से स्टेशन रोड तक और उसके बाद लाइट से मिनरवा चौराहे तक भीख मांगकर अपना विरोध जाहिर किया। कहा कि वे मानहानि की राशि 250 करोड़ चुकाने के लिए भीख मांग रहे हैं। इस दौरान विधायक जवाहर राजपूत के खिलाफ प्रदर्शनकारी पत्रकार बैनर पोस्टर लिए दिखाई दिए। आज हम के खिलाफ और भीख मांगने का काम किया है। ये भीख इसलिए मांगी है कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले दरोगा विधायक अवैध खनन की खबरें चलाई थी, वो अवैध खनन करवाते हैं, उनके गुर्गे करवाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने खबरें चलाई। तो हमें 50-50 करोड़ के दरोगा विधायक की ओर से नोटिस दिए गए 5 पत्रकारों यानी कि 250 करोड़, उसके लिए हम लोगों ने भीख मांगी है कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तो झांसी की सड़कों पर हम झांसी की जनता के पास निकले हैं और वो जिस दिन भीख इकट्ठा हो जाएगी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से उनको पैसे देंगे कि आप अपने विधायक को दे दो जिससे उनका पेट भर जाए। सौरव कोतवाली क्षेत्र के तुमरिया गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने 35 साल के युवक बनवारी लाल को टक्कर मार दी। युवक मक्का की फसल देखने खेत पर जा रहा था, टक्कर से गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत को गंभीर देखकर अलीगढ़ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललितपुर जिला चिकित्सालय में इलाज नहीं मिलने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। 3 दिन पहले इलाज के लिए भर्ती हुए साहिर की हालत बिगड़ने पर पुरुष वार्ड में एमरजेंसी में भेजा गया जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया, शव को अपने गांव ले गए। पूरी घटना ललितपुर जिला चिकित्सालय की है। मेरा नाम अल्ताफ खान है, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश, ग्राम अमौकेड़ा, पोस्ट धौर्रा, थाना जाखलू। क्या हुआ, क्या घटना हुई? मेरे मरीज को 9 तारीख को भर्ती एडमिट किया गया था ललितपुर सरकारी अस्पताल में और ठीक से इलाज होने के ना कारण मेरा मरीज खत्म हो चुका है। उसका नाम है साहिर खान और सभी स्टाफों की लापरवाही रही है। क्या बीमारी थी साहिर को? इसको कुछ बीमारी नहीं थी, केवल पैर में चोट लगने से इनको पैर में दिक्कत हो रही थी ज़्यादा, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और क्या क्या था पैर में, क्या हो गया था? पैर में जो गिर गए थे ऐसे ही चलते तो इनको चोट लग गई थी और कुछ नहीं हुआ था। इस चक्कर में इनको भर्ती किया। 9 तारीख से भर्ती थे, कोई देखने आ रहा, कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं आया, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं, सब ऐसे ही पड़ा था। जब मैं दोपहर में पहुंचा 1 बजे तो मैंने नर्स से बोला, नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया दर्द का। उसके बाद मेरी भी बच्ची भर्ती थी और मैं 2 मंजिल पे था और जे 3 मंजिल पे थे, तो मैं दोनों मरीजों को नहीं देख पा रहा था। इसलिए तो स्टाफ की लापरवाही है। हाँ, स्टाफ की लापरवाही। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद 11 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। पहले दिन उन्होंने पुरनपुर विधानसभा क्षेत्र के आदित्यजन गांव में जनसभाएं की समस्याओं का समाधान किया। माधुराना में गोमती उद्गम स्थल पर मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया। शाम को अपने स्थायी आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। झांसी के थाना पहुंच के ग्राम बबई में धंती देवी को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी अजय उर्फ अज्जू धांती का
भतीजा ने चाची की जान ले ली क्योंकि वो उसे भिखारी और नकारा कहकर जलील करती थी। घटना के तीन घंटी ने बेटी को फोन लगाने के लिए कहा लेकिन अजय ने नातिन को फोन लगवाया। इसके बाद हंती अजय को गाली दी जिससे नाराज होकर उसने चाकू से गला काट दिया। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। आज थाना अध्यक्ष पूछ की टीम के द्वारा अजय उर्फ अज्जू जो मृतका का भतीजा लगता है इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो इसकी चाची जो मृतका है धनती ये इसको नकारा और भिखारी बोलती थी जिसके वजह से क्रोधित होकर के इसने ऐसी घटना को कारित किया है। साजापुर के मीरानपुर कटरा में अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल के जनरल बोगी में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। चलती ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने जान बचाने के प्रयास में चलती ट्रेन से नीचे कूद गए जिसकी वजह से यात्रियों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। सभी यात्रियों को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बातचीत में घायल यात्रियों ने बताया कि वो लोग पंजाब अमृतसर से चढ़कर हावड़ा जाने वाली ट्रेन के जनरल बोगी में बैठे थे। अचानक से बोगी में आग लगने की खबर सुनकर बोगी में बैठे यात्रियों ने जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर कूदना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी घायल यात्रियों को काफी गंभीर चोटें आई हैं लेकिन घटना के बाद पता चला कि ट्रेन में कोई भी आग लगने की घटना नहीं हुई थी, यह सिर्फ मात्र अफवाह थी। गाड़ी संख्या 3006 जो अमृतसर से हावड़ा की तरफ जा रही थी आज कटरा थाना क्षेत्र में बहबू नदी पुल के पास कुछ यात्रियों के ट्रेन से उतरने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर थाना कटरा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर ट्रेन के गार्ड स्टेशन मास्टर और आरपीएफ के कर्मचारियों से वार्ता की गई तो मामला संज्ञान में आया कि ट्रेनों के दो बोगियों के बीच लगने वाले फायर एक्सटिंग्विशर किसी यात्री के द्वारा नीचे बोगी में गिर पड़ा था और उसका सफ़ेद धुआं बोगी में आ गया था। इस वजह से कुछ यात्री ट्रेन से हड़बड़ी में उतरने लगे। इसमें कुछ यात्री घायल हो गए थे जिनका इलाज शाहजहांपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तराली के रोल्टी में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने की सूचना पर स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाएं शराब की दुकान खोलने से क्षेत्र का माहौल खराब होने और नजदीक के शैक्षणिक संस्थान पर प्रभाव पड़ने का आरोप लगा रही है। उन्होंने दुकान के सामने सड़क पर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि दुकानें बंद नहीं की जाती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद महिलाओं ने रविवार को फिर से विरोध की धमकी दी थी। तीर्थ नगरी में हिंदू जागरण मंच ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पुरानी चुंगी पर पुतला फूंका और नारेबाजी के प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र मोदी सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। चमोली के कर्णप्रयाग में वो महाश्रम और गोचर के गमेड़ा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से आए मलबे के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। दोनों स्थानों पर मार्ग को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। हरिद्वार के बादराबाद स्थित सुदेश मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में 60 साल के बच्चे के इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा। परिजनों का कहना है कि बच्चों को समय पर उचित इलाज नहीं मिला जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों द्वारा उन्हें अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी गई। नाराज परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखने अंतित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।